दोस्तों एशियन गेम्स हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ना ही सिर्फ गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल के लिए, इस एशियन गेम्स में कोटा भी हासिल कर सकते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 का। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन सी कैटेगरी में हम श्योर हैं कि हमें कोटा मिल जाएगा पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला इवेंट है आर्चरी। आर्चरी में एक मिक्स टीम का इवेंट का कोटा मिल सकता है, इंडिविजुअल्स में दो कोटे अवेलेबल हैं। और बॉक्सिंग की बात करें तो इवेंट वुमेन्स बॉक्सिंग की बात करते हैं तो जिसमें 50 किलोग्राम फ्लाईवेट के लिए चार कोटे हैं एंड 54 किलोग्राम कैटेगरी में फोर कोटा है, 57 के लिए फोर कोटा, 60 के लिए फोर एंड 66 किलोग्राम कैटेगरी के लिए टू एंड 75 किलोग्राम कैटेगरी के लिए भी टू कोटा अवेलेबल है। ये तो हो गया वुमेन्स इवेंट। अब मेंस इवेंट की बात करें दोस्तों तो मेंस इवेंट में भी हमारे जो एथलीट हैं वो 51 कैटेगरी में दो अवेलेबल है बॉक्सिंग में एंड 57 कैटेगरी में टू, 63.5 कैटेगरी में टू, 71 कैटेगरी में टू, 80, 92 और 92 प्लस कैटेगरीज में टू 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 कोटास अवेलेबल हैं। और हॉकी में भी हमारी मेंस टीम और वुमेन्स टीम के लिए एक एक कोटा अवेलेबल है। जो दूसरा इवेंट है सेलिंग, सेलिंग में भी भारतीय टीम कोटा ले सकती है जिसमें बहुत सारे कुछ अलग अलग इवेंट्स हैं लाइक विंड सर्फिंग, काइट मैंस, मल्टी हल मिक्स टीम, विंड सर्फिंग वुमेन्स, काइट वुमेन्स, तो इन सब में एक एक कोटा मिल सकता है भारत को। वैसे सेलिंग में थोड़ी उम्मीदें कम है लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करें तो शायद एक आधा कोटा मिल जाए। और दोस्तों यहाँ पर एथलीट्स की बात की जाए तो एथलीट्स के लिए जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ना, जैसे मान लीजिए 100 मीटर इवेंट में मेंस का आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 10 सेकंड में अगर 100 मीटर क्रॉस करते हैं तो कोटा मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। वुमेन्स में 11.07 करते हैं तो हो जाएगा, मतलब कि एक मार्क रखा हुआ है, इस मार्क को अगर क्लियर करते हैं तो इस तरह से कोटा मिल जाएगा। वैसे एथलीट्स में हमारे बहुत सारे इंडियन एथलीट हैं जिनको कोटा मिल चुका है, 3000 मीटर स्टेपल चेज में अविनाश साबले जी को मिल चुका है, नीरज चोपड़ा जी को मिल चुका है, पारुल चौधरी को मिल चुका है, तो उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लेना। अब तक 15 खिलाड़ियों को मिल चुका है कोटा और उनका नाम क्या है वो मैंने उस वीडियो में बना रखा है, लिस्ट बता रखी है प्रॉपर, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और लेकिन जो मैंने आपको मार्क दिखाया ना कि इन मार्क को अपने आप पार करेंगे तो अपना अपने आप कोटा मिल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि यार 2022 एशियन गेम्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके, मतलब कि एक एक मार्क तक पहुंचकर हमारे एथलीट्स क्वालिफाइड कर जाएं एटलीस्ट ओलंपिक्स के लिए, पेरिस ओलंपिक्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अहम अच्छा मौका मिला है एशियन में एशियन कंट्रीज के खिलाफ खेलकर ओलंपिक कोटा लेने के लिए। दोस्तों आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि कितने कोटास मिल सकते हैं कुल मिलाकर एथलीट्स में, या कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कि ये तो इस बार लेकर ही रहेगा भाई कोटा, उसका नाम जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह के स्पोर्ट्स की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी पहाड़ी ब्रदर्स चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।